अब ये देख रहे हो ना, जैसे यहाँ से स्क्रीन, अभी ये इधर चल रही है ना, ध्यान देखो इधर में ही अभी ये सिर्फ इंस्टॉल हुई हुई है ना। अब सब इसको देखो कि अब इसमें और EXI में जो है मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि ना EXI भी जब इंस्टॉल होती है तो हमारे पास पहले ये स्टेटस आता है, फिर नेटवर्क आती है, फिर ये वर्चुअल मशीन आती है, और ये मतलब हार्डवेयर टाइम जोन सेटिंग। तो बस कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ जो है ना इसमें कुछ चीजें हैं और कि जो आपकी जैसे ऑथेंटिकेशन भी कहना उसमें है, कुछ चीजें ये रिसोर्स पूल कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये मेरा ख्याल है यहाँ से कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत मतलब चेंज है, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें जैसे मैंने ये ना IP जो दी हुई है, क्या ये 10-10 ये है ना, अब वही इसको बस एक्सेस करने के लिए जो है हमें इसको हम वो वाली मशीन है ना, ये देख रहे हो, ये यहाँ से मशीन एक्सेस नहीं हो रही ना, तो अब इसको हमें इसकी नेटवर्क जो है नेट से हटानी पड़ेगी ना, इसको हमें ब्रिज करना पड़ेगा फिर चलेगा। काम आ गया, सही आ गया, अब फ्रिज किया काम हो गया, दब भर गया। ओह अच्छा, ये आ गया ना, फर्क आ गया, अब इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एरर देख रहे हो आ रहा है ना, ये जेन जो हुआ हुआ है, ये जेन हमारे पास जो मैंने किया अभी 8.1 किया है, और ये इसका जेन सेंटर जो है मैंने 7 का किया हुआ है। तो अब ये हाँ, तो 7 7 7 ही करना पड़ेगा, 7 7 ही करना पड़ेगा, 7 कर लेते हैं। हाँ, अब ये इंस्टॉलेशन में तो टाइम लगाएगा, यहाँ से काफी देर लगा था। हाँ, लेता है तकरीबन ये आधा घंटा लेता है। अब ये तो टाइम बहुत टाइम लगाएगा। अच्छा, बाकी ये देख लो, फिर वो देख लो कि सो गाइस, सो अब हम यहाँ पर हम इसके साथ EXI सर्वर की इंस्टॉलेशन भी लगाएंगे। तो जैसा कि अब हम यहाँ पर जो है ये वर्चुअल मशीन पर ओरकल बॉक्स पर कर रहे हैं, तो ये हम वर्चुअल मशीन के ऊपर ही, ये फिजिकल मशीन है उसके ऊपर हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, उसके ऊपर हम EXI सर्वर टेस्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम टेस्टिंग पर्पज के तौर पर इसको इंस्टॉल करके देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो है वो कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए जो है हमें ब्रिज नेटवर्क करना पड़ता है, ताकि जो है हमारी जो बेस मशीन है उसके साथ ना आईपी एड्रेस सिंक हो सके, तो ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, EXI के वी स्फेयर से हम उसको एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर अभी हमें इसकी सेटिंग करने वाला हूँ, और ये इसके बाद हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मशीन लोड करेंगे। ये भी है ना, तो ये भी मसला होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ऐसे सेटअप जो है जो 3 साल पहले के रखे हुए हैं ना, वो अब चलाओ तो चलते नहीं है, वो फजूल है। बाकी मैं कहता हूँ काफी सारी सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास EXI का जो सेटअप है स्क्रीन पर ऑन हो चुका है। ये हम इसको अब ये हम बूट कराएंगे यहाँ से। ये आपका EXI सर्वर आपका इंस्टॉलेशन हो रही है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर EXI के सर्वर की इंस्टॉलेशन लोड हो चुकी है। जैसा कि आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो जो है EXI की 6.5 5.5 और 6.7 की ऑलरेडी आपको ना आई बटन में नजर आ रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये एक बस ये तो ये, ना इस वीडियो में आप टेस्टिंग पर्पस देख रहे हैं, ये देखें, अब आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यहाँ पर आपको उसका नजर आ रहा होगा। आवाजें आ रही है, मैंने कहा इतना आवाजें आ रही होंगी ना, तो मैं शोर रहा,
दिन में भाई मैं वीडियो बनाने लगता हूँ ना, दिन में जो है ना नहीं बनती, दिन के टाइम में ना रिकॉर्ड रिकॉर्ड पता किस टाइम कर रहा हूँ, रात को तकरीबन देर बिल्कुल सन्नाटा जो ना, फिर भी जो है कहीं ना कहीं से कभी कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो एक मैं 12 बजे के बाद भी करूँ तब भी जो है ना